प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्रेम प्यार से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली तथा कुंडली ग्रहों की जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, मैं मोबाइल नंबर इसलिए देता हूँ कि वीडियो संबंधी कोई प्रश्न हो आप करिए, मैं फ्री बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना, उसके लिए आपको मेरा शुल्क देना होगा। बिना शुल्क दिए मैं आपकी कुंडली का विवरण नहीं बता सकता। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308। आज मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र गुरु शनि की युक्ति। चंद्र गुरु शनि की युक्ति इन लग्नों में क्या प्रभाव देता है उसके लिए। जिस व्यक्ति का मेष लग्न हो उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, इनके सोच अच्छे नहीं होते हैं, ये जीवन में इनका बुद्धि हमेशा चलायमान रहता है। जिस व्यक्ति का वृषभ लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं, इनमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति का मिथुन लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग पराक्रमी होता है, दूरदर्शी होते हैं, इनके अंदर विद्वता होती है, इनके अंदर कार्य करने की अच्छी क्षमता होती है, अच्छी सोच होती है, और जीवन में ये कभी बहुत अधिक संघर्ष नहीं करते। जिस व्यक्ति का कर्क लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग हीरो से हीरो बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में सिंह लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग शिक्षा पूर्ण प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग गुप्त शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं और लेखक होते हैं। जिस व्यक्ति का कन्या लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग कभी भी केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोगों के कभी चरित्र बर्बाद नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी शत्रु पैदा नहीं करते हैं, कभी जेल नहीं जाते। जिस व्यक्ति का तुला लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग सरकार से अच्छा पद पाते हैं, ऐसे लोग छोटे से नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, व्यवसायिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, और इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है। जिस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है उसमें चंद्र शनि गुरु की युक्ति है, ऐसे लोग सर्दी खांसी की बीमारी से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग को हड्डी संबंधी रोग होता है, ऐसे लोग आलसी होते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में कमाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति का धनु लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, मेहनत का सही लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, इच्छानुसार उन्नति नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति का मकर लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग की सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, ऐसे लोग का जीवन विवादाग्रस्त होता है, ऐसे लोग कई शत्रुओं से परेशान रहते हैं, व्यापार में भी घाटा खाते हैं, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलती है, उच्च अधिकारियों से विवाद होता है। जिसके कुंडली में कुंभ लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, कई वाहन के मालिक होते हैं, इनका जीवन सफल होता है,
अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, समाज में पूजे जाते हैं। जिस व्यक्ति का मीन लग्न है उसमें चंद्र गुरु शनि की युक्ति है, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति के चौथेपन अच्छे जाते हैं। ऐसे लोग मशीन, कोयला, धातु, कपड़ा के व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं, कई प्रकार के व्यापार कमाते हैं। ऐसे लोगों को सरकार से भी उच्च पद की प्राप्ति होती है, छोटी सी नौकरी से उच्च पद की भी प्राप्ति करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, चंद्र गुरु शनि की युक्ति इन लग्नों में क्या प्रभाव देता है, इसको आप सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करने के लिए प्रयास करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।